तो दूर दूर से हमने सफाई वाले को बुलाया। सफाई वाले शक्ल तो दिखा दे, शक्ल तो दिखा दे भाई, देखो ये भी हमारी बुलेट है ठीक है, ये भी बाइक हमारी है, मिट्टी खा रही है। ना यश, ना यश चला ना मैं चलाऊ, कहते ना यश चला ना मैं चलाऊ। यश अपनी बुलेट लेके वापसी जा रहा है। ओहो भाई 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 आपकी है भाई, भाई। किसी चीज में हमारा नाम थोड़ी लिखा भाई, जो मेरी वो तेरी, जो तेरी वो मेरी, बस बीवी छोड़ के। भाई तो अभी इसको ये है कि लाइक इतने टाइम तक खड़ी हुई थी, मिट्टी खाती थी, मतलब थोड़ी चला लेते हैं, ठंड का टाइम है, ठंड में मजा आता है गेड़िया मारने में रात को। अब ठीक करवाने लेके जा रहे हैं इसे, थोड़ी गर्म करवाएंगे। क्या हो गया, जान खत्म? जान नहीं, चप्पल फिसल रही है। हाँ इतनी देर से चप्पल ही फिसल रही है, कर चालू कर, अगर तुम्हें दमन चालू करके दिखा दे इसे। मैं क्या यार धक्का मार के वहाँ छोड़ा थे, ठीक कर देगा अपनी सारी मेहनत कर रहा बुरी। कर कर कर। गुड मॉर्निंग गाइस, शाम को, कल तो मैंने शाम को लाइक जैसे आपको दिखा रखा कि मैं व्लॉग कहाँ गया था यार, बुलेट को देने गया था ठीक करवाने, तो आज हो चुके ठीक। तो आज रात को मारे आराम से गेड़ी, बाकी मम्मी वाला नहा के आ चुके आज सालों साल बाद। होली के होली नहाती हूँ मैं। हाँ तो भाई देखो मुझे बताने की जरूरत नहीं, मम्मी ने खुद ही बता दिया, होली के होली नाती है। तूने तो कहा सालों साल, हाँ। तो सालों साल यही है होली की होली। वो भी होली पे खुद नहीं ना जाता, तो हमने ला देता गुब्बारे वाले मार। क्यों नाना, पानी खराब करना क्या? अरे जाओ रे पापा, कैसे रहते हो? रहना पड़ता भाई, मजबूरी है। लोग बंद करने के बाद सारी मजबूरी बताएगी मम्मी। गले में ढोल पड़ा हो तो बजाना ही पड़ा, अच्छा वो चाहे वो फटा हुआ ढोल है, चाहे वो अच्छा ढोल है, बजाना ही पड़ेगा। यही चीज है जो मुझे शादी से दूर रखती है। आओ जी, लाला जी क्या हाल चाल? आओ जी, आओ जी। ये बात पापा ने सच बोली, वो डायलॉग कौन सा होता है वो जो कहता है लड्डू खा के भी मरो, जो लड्डू खाए वो भी पछताए, जो ना वो भी पछताए। तो आप लड्डू खा के पछताए? इनसे पूछो ये 35 साल बाद पछता रहे हैं। वो क्या करे, याद अब आया ना पछताना। आओ जी, याद नहीं आ रहा, बैठो जी। नहीं सुन, आ जा, जाओ लाले जी, रोटी जगह खाली हो गई है। मम्मी पापा लगे हुए है किस कारनामों में, किसको पेल रहे हो? को पेल रहे हैं। मम्मी मेरे को कैसे मारने चक्कर की, मैं इसको मारूं। प्रैक्टिस कर रहे हो? फिर बार में एक दूसरे को कैसे एक दूसरे को मारे, एक दूसरे सर पे प्रैक्टिस करना फिर। ये भी ये प्रैक्टिस है अनार को निकालने का, अनार से प्रैक्टिस हो रही है। ऐसे जल्दी निकलता है अभी अनार में मारे जाए, कल का सर फोड़ा जाएगी। फोड़ो फोड़ो, सालों में वो नौबत नहीं आई अभी तक, भगवान कर कभी आए भी ना। डिंपल में तो बस चलता नहीं, मम्मी दिमाग खाली हो गया। बड़ी जल्दी खाली कर दिया। वैसे तो डिंपल में चल नहीं सकता है, तो इसलिए अपनी भड़ास इस पे निकाल के टुकड़े कर देने। नहीं नहीं, डिंपल ये डिंपल, अब डिंपल जी का दिमाग दिखाओ खाली। अभी, अभी हो गया। चलो तुम तो कर रहे, मैं क्या करूँ, मैं तो कर नहीं सकती ये। नहीं बोलो नमन ढुनु, नमन तो बहुत दुखी करता है मेरे को, नमन तो बड़ा खून पीता मेरा। ये ड्रामेबाजी देख रहे, सही है सही है, ऐसे ना मारे, मारना नहीं है ऐसे, मार लो ऐसे, मार खाने वाला काम नहीं करते हूँ। ये कॉमेडी हमारे घर में चलती रहती है, तभी ये घर से कहीं से जाता है ना, कहीं भी हम चुप रहता है, ये घर में होता तो हमारी रौनक लगी रहती है। देख लो भाई, हमारे घर में रौनकू है, इम्पोर्टेंट देख लो, फिर कहते हैं कि हाँ तू ऐसे करता वैसे करता। कहते ये रौनकू है, रौनकू भाई। बुलेट अच्छी खासी ठीक करवाई है, देखो ठीक करवाने के बाद ये हालत धक्के मार के लगे, ये हालत हो रही है इसके चक्कर में, रात को बाइक घुमाया जा रहा, इसको याद नहीं है पेट्रोल ही नहीं है भाई। मैं नहीं घुमाता, तू घुमा रहा। मैं कल घर पे भी नहीं था, मैं भाई कल बाहर गया था, घर पे हाँ ड्रामे कर ले, गिरूंगा मैं। तो भाई फाइनली पेट्रोल डलवा के तो आ गए, अब थोड़ी बहुत रात को मारने जाएंगे गेड़िया, ठीक है। अगली बार चलाएगा पेट्रोल चेक करके चलाइयो। मैं भाई
भाई के वगैरह सुई नहीं भाई पेट्रोल भाई आपकी बाइक है, आप गंदा बोलो बुरा बोलो अच्छा बोलो आपकी मर्जी भाई, इसके लिए मैं वाले मीटर लगवा दूंगा। लगवा दे चल अपन मीटर लगवाया पटाखे फोड़ पे चल पटाखो ज्यादा पेट्रोल पीती है। हाँ अब ये क्या रात को आ जाओ टाइम से घूमने चलेंगे। गाइस मैं आ चुका हूँ घर पे और घर पे आके जैसे मैंने रूम का गेट खोला तो भाई मैंने देखा कि पापा मम्मी कर रहे हैं सुखमनी साहिब जी का पाठ, क्योंकि आज है मेरी दादी की बरसी तो उस लिए मम्मी पापा कर रहे हैं सुखमनी साहिब जी का पाठ। पर चुपचाप दिखाता हूँ ये शैतान परेशान हो रहा है। चल बैठ जा, चल जा ऊपर जा, ऊपर जाकर बैठ जा आराम से, चलो जाओ। हम आए थे यहाँ पे मंदिर प्रसाद बांटने के लिए, ये रहा प्रसाद, ये रही दाल और उस साइड है रोटी, आगे की साइड है रोटी, तो ये दाल वाला बांट लें फिर चलेंगे घर। तो अभी चाय भी बांटते हैं, अभी पहले ये बढ़ते तो फटाफट फिर बांटेंगे चाय। पहले मैंने बांटा, अब आ गए आशवी की टर्न, अब बांटेंगे आशवी आराम से। फिर मैं थक चुका, मैंने सोचा थोड़ा ब्लॉग भी कर लेता, यहाँ पे ब्लॉग भूल जाता मैं बार बार। ये अब आशवी बांटेंगे, पापा बांट चुके हैं, इसके बाद थोड़ी देर बाद मैं बांटूंगा। तो अब हम जा रहे हैं कुछ यहाँ से खाने पीने, हमारा सारा सबका बन चुका प्लान खाने पीने जाने का बाहर। और मेरे को चलानी थी बुलेट थी, लेकिन लेके जा रहे हैं आशवी इतने टाइम बाद, चलते फटाफट। मम्मी को चाय नहीं मिलता बिना बाहर का खाए, चुप हो जा, बजा दूंगा बजा। पापा को समझा लो। क्या हुआ, डोसा ही तो खाने जा रहे हैं, फिर क्या हुआ? पापा को समझा लो, क्या मैं बहुत अच्छी तरह पिट जाऊंगा फिर। पापा जाने बेटा जाने जा, पिटना ही अब यहाँ पिटेगा, बाहर जाके पिटेगा, जहाँ पिट मर्जी पिट लो। पापा लेकिन घर में मार लो, यहाँ थोड़ी भारी इज्जत है मेरी। ये रखो भाई स्नैक्स आ गया हमारा, आए थे हम सिर्फ डोसा खाने। ले आओ भाई ये भी ले आओ, मानसे स्ट्रॉबेरी वो। क्यों मारोगे? वही मुझे टोकता है। कैसा लगा बुलेट में बैठ के? स्पोर्ट नहीं है ना, कमर हो गई। मम्मी में से पहली बार बैठी है बुलेट पे, जबकि मम्मी वैसे स्कूटी पर से ना, स्कूटी पे बैठ के जाओ। स्कूटी मुझे बेस्ट है। ये बेस्ट है बुलेट। बुलेट तुम्हारे लिए ठीक है, एक तो तुमने इसकी स्पोर्ट नहीं दे रखी। भाई देखो पीछे सपोर्ट नहीं है, ऐसे ही बैठना पड़ता है। तो कोई नहीं, क्या करना है सपोर्ट लगा के, अभी सिंगल अभी हम। तभी ये देखो ये प्रूफ है कि हम सिंगल है। दिन दी मिली जट नू, दी कहंदी जी नहींओ लगदा, जी नहींओ लगदा, लगदा।